ओझा मार्ग पर सोने चांदी की दुकान में लूट का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने व्यापारी की आंख में मिर्ची फेंक कर घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। नागदा जिले के ओझा मार्ग पर एक अज्ञात युवक ग्राहक बनकर कनक ज्वेलर्स की दुकान पर आया था। बदमाश द्वारा अंगूठी पसंद करने के लिए बॉक्स में से 20,000 रुपए की अंगूठी निकालकर पहन ली गई और व्यापारी को फोटो खींचकर पापा को भेजने की बात कही गई। उसी दौरान बदमाश ने जेब से पैसे निकालने की वजह मिर्ची पाउडर निकालकर व्यापारी की आंखों में फेंक दिया। व्यापारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसके पीछे भागना और चिल्लाना शुरू कर दिया। व्यापारी ने अपनी सूझबूझ से दरियादिली दिखाई और मिर्ची आंखों में डलने के बाद भी लुटेरे युवक को पकड़ लिया। मामले की सूचना थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा को दी गई। प्रभारी तुरंत थाना से टीम लेकर मौका स्थल पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस युवक के अलावा दो और युवक बाइक पर थे और अपनी साथी का बाईपास पर इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को भी धर दबोचा है। तीनों बदमाशों पर आईपीसी की धारा 394 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस कप्तान द्वारा पहले इस प्रकार की घटना घटित होने पर शहर में सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए अपील की गई थी, लेकिन आज तक कोई भी गतिविधियां नहीं हुई हैं। एक लड़का आया था, बोल रहा मैं पीछे रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ और पापा आ नहीं पा रहे हैं, तो मैं सोने की अंगूठी लेना है। तो बोले कि मेरे को आप बता दो, मैं पापा को बुला लूँगा पसंद करके। बोला ठीक है, मैंने अंगूठी बताई उसको सोने की और वो देख के करता रहा, थोड़ा ये भी देखा वो भी देखा, सब तरह की अंगूठियाँ देख ली, फिर वजन करवाया एक दो अंगूठी का, फिर पैसे एक अंगूठी पसंद आ गई उसको, बोला 18,900 रुपये बताए थे मैंने उसको, और दूसरी अंगूठी उसने पहन रखी थी। फिर बोला कि ठीक है, मतलब पापा को बुला ले भैया। तो बोले बोले ठीक है, मेरे पास ही कुछ पैसे हैं, मैं दे देता हूँ आपको और पापा को बता दूंगा, नहीं पसंद आएगी तो एक्सचेंज कर लेंगे। ऐसा बोल के वो खड़ा हुआ, बोले मैं पैसे निकाल देता हूँ, मतलब अंगूठी दे मैं वजन करके बिल बना। बोला आप बिल तो बनाओ। ऐसा करके उसने जेब में से मिर्ची निकाली और आँख में डाल दी, फेंक दी और एकदम से भागा। और मैं उसके पीछे भाग के थोड़ी दूर तक 200 मीटर 300 मीटर तक भाग के उसको पकड़ लिया। आपको उसकी बातों से कुछ ऐसा लगा कि ये फ्रॉड है या किस तरह? हाँ, लग तो रहा था, क्योंकि वो उसके मैंने देख लिया था, सामने उसके कोई पेमेंट वगैरह दिख नहीं रहा था जेब में, ऐसे ऊपर जैसे रखा रहे जींस में तो दिख जाता है पेमेंट, पर दिख नहीं रहा था। मेरे को लग तो गया था, मैंने तीन अंगूठी तो मैंने पहन ली थी और फिर एक अंगूठी लेके वो भागा, तो मैंने उसको आगे जाके पकड़ लिया। क्या वजन की अंगूठी थी और कितना? 4.5 ग्राम की थी, 19-20 हज़ार रुपये के आसपास। ओझा मार्ग में कनकश्री ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ पे जो उनके मालिक हैं दीपक पिता लक्ष्मी नारायण सोनी जी, जो अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, वहाँ पे ग्राहक के तौर पे एक आदमी आया, एक लड़का आया और अंगूठी, मुझे अंगूठी ख़रीदना है, और इस तारतम्य में उसने अंगूठियाँ देखी, एक अंगूठी दो अंगूठी तीन अंगूठी ऐसी अंगूठियाँ देखी और एक अंगूठी अपने उंगली में फंसा ली और कहा कि हम फ़ोटो भेजते हैं अपने पिताजी, हम रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, ऐसा उनको बोला, रेलवे स्टेशन के पास में रहते हैं और फ़ोटो भेज के अपने पिताजी को दिखा दें, अपना अंगूठी हम खरीद लेंगे और एक अंगूठी अपने हाथ में फंसा लीजिए, अंगूठे उंगली में फंसा ली और जेब में हाथ डाला, पैसे देते हैं देते हैं, और अंदर जेब में मिर्ची का पाउडर था, दुकान वाले के आँख में फेंक के भगा। तो दुकान वाला जो भी है दीपक सोनी जी, इन्होंने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और हिम्मत दिखाते हुए उसके आँख में मिर्ची झुकने के बावजूद भी उसके पीछे दौड़े और करीब 250 मीटर आगे उसको पकड़ लिया, पकड़ के थाने ले आए, रिपोर्ट की और आरोपी के विरुद्ध 394 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी जो है उसका नाम है साहिल शाह, पिता शकील शाह, रहने वाला ये देवड़ा खजूरी आलोट का रहने वाला है, और इससे पूछताछ की, इसके और भी साथी हैं उनको भी अपने उसकी निशादेही में पकड़ लिया है, पूछताछ जारी है। जिसमें तो मोटरसाइकिल से आए थे ये तीन लोग हैं अभी, है ना, और अभी अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत इनसे पूछताछ की जा रही है। सर अंगूठी बरामद हो गई? हाँ, अंगूठी बरामद हो गई। पहले कोई घटना को अंजाम दिया इन्होंने? हाँ, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि करते कैसे, इनका तरीका क्या था लूट करने का तरीका, ये गूगल में सर्च करते हैं ज्वेलर्स की दुकान, ज्वेलर्स की दुकान के आधार पर नंबर मिल ही आता है और नंबर से फ़ोन लगा के उससे पूछते हैं कि हमें सामान खरीदना, मोबाइल लगा के फ़ोन से भी बात करते हैं
और फिर व्हाट्सएप पे अंगूठी अंगूठी एक दूसरे को दिखाते हैं, इसी आधार पे जो लोग दुकान तक पहुंचते हैं तो इस प्रकार से लूट का अंजाम देते हैं। इस प्रकार से भी जानकारी प्राप्त। सर कुल कितने अपराधी? अभी प्रथम दृष्टया तो पहला अपराधी फरियादी के द्वारा ही पकड़ के लाया गया, उसके बाद दो लोग और पकड़े हैं, पूछताछ की जा रही है। सर उन दोनों को कैसे पकड़ा, क्या है अभी? वही पूरा पूरा मैटर पूछताछ में है। अभी प्रथम आरोपी साहिल है जो फरियादी द्वारा पकड़ के लाया गया, और आरोपी के आधार पे दो लोग और साथ में थे तो उस आधार पे उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया है और पूछताछ जारी है। सर व्यापारी को सतर्क रहने के क्या मैसेज देंगे? सभी नागदा शहर के सभी ज्वेलर्स वालों को और जो अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबने अपनी अपनी दुकानों पे सीसीटीवी फुटेज लगा रखे हैं, सभी से हमारा अनुरोध यही कि अपने सीसीटीवी कैमरे को चेक कर लें, उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, और बहुत अलर्ट रहें क्योंकि कोरोना काल के बाद अभी दुकानें खुलना शुरू हुई है, काफ़ी लोग बेरोजगार भी हुए, इस प्रकार के अपराधी सक्रिय भी हुए, इसलिए सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए नागदा से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।